हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डिलीशियस चॉकलेट बार। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, इतनी मैंने चॉकलेट ली थी, इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करके रखा, ऊपर बाउल रख के, और इसमें मैं नट्स डाल रही हूँ। मूँगफली है, ये अखरोट है, और ये मगज के बीज हैं। इतनी मैंने किशमिश ली है, और इतनी मैंने बादाम लिए। इन सबको बड़ी कट कर दिया था, अब सबको मिला लेंगे अच्छे से। और इसको थोड़ा सा मैंने इसमें एक चम्मच बटर भी डाला है, अमूल बटर डाला है। आप दो चम्मच, एक चम्मच जितना डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच जितना सॉल्ट है, और ये वेनिला एसेंस है। इस सबको मिला के अच्छे से हम एक प्लेट में ग्रीस करके रखी है, उसमें मैं इसको अच्छे से जमा दूँगी सेट करके। उसको फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए, और देखिए हमारी डिलीशियस चॉकलेट बन के तैयार हो जाएगी। ईजिली रिमूव भी हो जाएगी। आप किसी भी बर्तन में आप इसको सेट करके चाहे तो मॉल्ट जो शेप वाले आते हैं उसमें भी, या कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ बनाना। देखिए इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं, इसको अच्छे से फैला देते हैं। और मैंने बना करके रखी है, देखिए रेडी करके 15 मिनट्स बाद देखिए फ्रीजर में से निकाला है, और ये देखिए एकदम सेट हो गई है हमारी चॉकलेट। अब आपको किसी भी शेप में काट सकते हैं, इसको इंजॉय कीजिए, और बच्चों के लिए भी हेल्दी। ये देखिए इस तरह से कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारी नटी चॉकलेट एनर्जी बार भी बोल सकते हैं आप इसे। सो एंजॉय, आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।